हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस गेमर। तो भाई लोग, आज हम लाइव पुशिंग करने वाले हैं 4000 ट्रॉफी तक। तो हम देख लेते हैं अभी मेरा फिलहाल में कितना है 4000 के लिए। तो अभी ज़्यादा नहीं है, 17 ट्रॉफी और चाहिए। तो हम लाइव पुशिंग करने वाले हैं जीनी से, 1600 राउंड में है। तो सर्वाइव दिया रहना, स्कूल क्रीक नाम है ठीक है मैप का। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे और पुशिंग अच्छा से कर लेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पुशिंग हो जाए बिना ज़्यादा टाइम लिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा। तो देखते हैं, टीम अप करने वाले बंदे से थोड़ा दूर रहेंगे और टीम अप भी करेंगे जरूरी पड़ने पर। तो सामने एक वो है, उससे हमें दूरी बना के रखना पड़ेगा। और इधर इसे हम टीम अप कर लेते हैं, ये हमें तो डैमेज नहीं देगा फिर तो ठीक है। तो एक स्टार हमें मिल चुका है, यानी कि 1 एनर्जी क्यूब। यहाँ दो लोगों का लड़ाई हो रहा है और बीच में फ़ायदा उठाते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी 17 बंदे अलाइव हैं, हम देखते हैं हमारा पोजीशन कितना में आता है। तो ठीक है, हमें डैमेज तो नहीं पड़ रहा है किसी को। मेरा हाँ, वो को थोड़ा पड़ रहा है पर उतना कोई ज़्यादा खास नहीं। फिर भी यहाँ हमारे टीम अप किए हुए बंदे हैं। तो इधर पैम है, तो पैम से दूरी बना के रखना पड़ेगा। और ये ओह शिट, मार दिया। तो देख लेते हैं मेरा कितना ट्रॉफी हुआ, +1 रैंक 6 में। अभी मेरा लो लेवल का ब्रॉलर है इसीलिए माइनस नहीं हुआ, नहीं तो रैंक 6 में माइनस हो जाता था। तो अभी 8 बंदे फाउंड हो चुके हैं, मैंने प्ले अगेन कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट हो चुका है गेम। और इधर एक बार्ली है, बार्ली से हम दूर रहेंगे और डैमेज देते रहेंगे। हम एनर्जी क्यूब ले लेते हैं। इधर हमारे सामने एक डायनामाइक है, उससे हम टीम अप किए हैं। तो देखिए ये हमें धोखा देता है क्या, शायद ये हमें धोखा देगा। ये मेरा सारा एनर्जी क्यूब ले लिया है, फिर भी देखते हैं कितना देर तक हम जिंदा रह पाते हैं और ट्रॉफी पुश करते हैं कितना जल्द। तो इधर एक का सैंडविच हो रहा है, तो हम भी उसमें फ़ायदा उठा लेंगे। तो ठीक है गाइज, तो एक के एनर्जी क्यूब हमें मिल चुका है, वो ने उसे मार दिया था। तो अभी 6 बंदे अलाइव हैं अभी भी। तो इधर एक डायनामाइक है जिससे मैंने टीम अप किया है। तो ठीक है, तो इधर शायद कोई छिपा होगा तो पता चल जाएगा, वो था। तो अभी 5 बंदे लाइव हैं, एक बो को बो ने मार दिया। तो इधर भी एक रिको सेट है ग्रासेस में, मेरा बंदा यहाँ छिपा हुआ है, शायद नोब जैसा खेल रहा है छिप छिप के कुछ ज़्यादा, तो पुशिंग कर रहा होगा। तो उसको गलती से शॉट्स लग गया था मेरा। तो वहाँ एक रिको सेट है, उसे मैं उस पर मैं एबिलिटी यूज नहीं करूँगा, थोड़ा संभाल के एबिलिटी यूज करने में ही फ़ायदा है। तो इधर से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि इधर बो ने अपना एबिलिटी यूज कर दिया है। तो इधर भी बंदे मर गए हैं, तो इधर 2 बो बचा हुआ है, पावर ज़्यादा है उस वो लोग के पास। तो ये है, मुझे मार दिया। तो रैंक 4 में +4 ट्रॉफी हुआ है। मैंने जीनी को इसलिए चुना है क्योंकि मेरा माइनस ना हो और लगातार प्लस होते रहे ट्रॉफी, ताकि मैं जल्दी से 4000 टच कर लूँ। तो फिर से मैंने प्ले अगेन लगातार करूँगा जब तक मेरा ट्रॉफी पुशिंग ना हो जाए 4000 तक।
मेरे सामने एक एनर्जी क्यूब है, उसे मैं लेने का कोशिश करूँगा। इधर कोई बंदे ना हो तो इजीली ले लूँगा। यह जीनी अभी 1000 का डैमेज दे रहा है। इधर और भी एनर्जी क्यूब्स हैं और एक बो भी है, तो हम इधर से थोड़ा छिप जाते हैं। बो को थोड़ा डैमेज देने का कोशिश करेंगे, तो 1100 का डैमेज पड़ रहा है जीनी से, और वो हमें शॉर्ट्स दिया तो हमारा लाइफ थोड़ा कम हो गया। वो से हम टीम अप करते हैं, तो वो मेरे लिए एक एनर्जी क्यूब छोड़ दिया है। टीम अप करने से यही थोड़ा फ़ायदा है, पर हर बार नहीं होता है इस तरह, बहुत बार बंदे धोखा भी देते हैं। इधर मैं बच गया अभी फ़िलहाल में, तो ये वो मुझे शॉर्ट्स देने लगा। अरे दो वो टीम अप करके मुझे मार रहे हैं, तो मैं भी शॉर्ट्स दूंगा, पर तब तक टीम अप कर लेते हैं इसे, क्योंकि टीम अप सभी कोई करते हैं तो मैं भी क्यों ना करूं। सभी कर रहे टीम अप, अभी 6 बंदे अलाइव हैं अभी भी। तो इधर मैंने पाइपर से टीम अप किया है, उधर वो तो धोखा दे दिया मुझे। पाइपर से ही करने में फ़ायदा था, तो पाइपर को मार दिया इन लोगों ने। तो इधर मैं जीनी से कोशिश करता हूँ टीम अप का, तो जीनी अभी मरेगा या फिर मारेगा। तो अभी 3 बंदे अलाइव हैं, जिसमें से एक जीनी का हेल्थ बहुत कम है, जो मर भी सकता है। जीनी शायद मेरे ऊपर पावर अपना यूज करने वाला है, उसका पावर एबिलिटी बेकार चला गया, तो हम #2 कर जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने वो है जो हमें अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। और ये हाँ ठीक है, तो #2, तो हम देख लेते हैं हमारा कितना ट्रॉफी पुश हो गया और हमें और कितना करना है। +7 ट्रॉफी मिल गया तो अच्छा बात है, तो देख लेते हैं। +12 ट्रॉफी हुआ है, 5 ट्रॉफी और चाहिए हमें पुशिंग करने के लिए, तो हम देख लेते हैं। इस मैप में थोड़ा हाइड खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी मैप में इस बार भी हमारा +5 ट्रॉफी हो जाए और अच्छा खासा पुशिंग हो जाए 4000 तक। तो हम इससे थोड़ा टीम अप करने का कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ये धोखा देता है क्या। ये नहीं, ये टीम अप नहीं करना चाह रहा है, तो हम भी नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं अभी वो सब। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से एक एनर्जी क्यूब नहीं ले पा रहा हूँ, ये मुझे मार देगा, तो थोड़ा सावधानी से खेलें। तो ठीक है, बचे तो हैं अभी तक हम, पर कितना देर तक रहते हैं ये देखना ज़रूरी है। तो अभी तो फ़िलहाल में भी जिंदा हैं, तो इधर एक बंदा को मार दिया इस फ्रैंक ने। तो अभी 4 बंदे लाइव हैं, शायद आज हमारा 4000 हो जाएगा ट्रॉफी, शायद नहीं, आज कंफर्म हो जाना चाहिए इस मैप में। तो इधर से अरे अरे क्या कर रहा है ये, मार दिया। तो देखते हैं हमारा, हमें +5 ट्रॉफी मिल जाता तो हमें, अरे +4, एक बार और खेलना पड़ेगा दोस्तों। तो हम प्ले अगेन और एक बार कर लेते हैं, क्योंकि हमें +4 ही ट्रॉफी मिला और हमें एक और ट्रॉफी चाहिए। एक और ट्रॉफी के लिए हमें एक बार और खेलना पड़ रहा है, तो देख लेते हैं हम इस मैप में कितना रैंक लाते हैं। +4 ट्रॉफी चाहिए इस मैप के लिए। तो इधर तो डायनामाइक है, उससे थोड़ा बचना पड़ेगा, डायनामाइक हमें बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, तो हम डायनामाइक से थोड़ा बच के निकले हैं इधर, और बॉक्सेस को लेने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इधर तो ठीक चल रहा है, एक भी बॉक्स नहीं है हमारे पास। एक बार और शॉट से देने पर ये बॉक्स टूट जाएगा, तो ठीक है। इधर ये हमारे पीछे पड़ सकता है, तो ठीक है। तो इधर से तो पैम आ गया ही,
जिसके कारण मुझे यहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि माइनस नहीं करना चाहता हूँ। तो 7 बंदे अभी अलाइव हैं। तो सामने एक मोटिस था, उसे मैंने डैमेज दिया तो वो चला गया। क्रो भी है इधर, क्रो को भी अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है। तो एक और बंदे मर जाए, हाँ ठीक है, तो हमें +5 ट्रॉफी मिल जाएगा इस बार, हो जाएगा हमारा अच्छा खासा पुशिंग इस बार। तो हमारा 4000 टच कर जाएगा और देखते हैं हम कितना में आ पाते हैं इस बार। अभी भी 4 बंदे अलाइव हैं। तो सामने एक मोटिस है 6 पावर क्यूब्स के साथ, तो देख लेते हैं। इधर से एक रिकोसेट है, रिकोसेट को डैमेज देने का कोशिश करूंगा मैं, और थोड़ा उसका एबिलिटी से बचना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इधर। तो इधर ग्रास में कुछ छिपा हो सकता है, तो रे मार दिया। तो ठीक है, तो देख लेते हैं, हमारा 4000 ट्रॉफी प्लस हो गया ना इस बार। रैंक 3 में +3 ट्रॉफी मिला, तो 4000 मेरा टच हो गया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।